नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू किया गया है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, देश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2013 से लागू है और इस योजना को वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संशोधित रूप में पुनः जारी किया गया है। और संशोधन करने का उद्देश्य जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जो है ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना वेब पोर्टल, जिसके माध्यम से जो है ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए। और इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत मिलने वाले मुआवजा की राशि में भी वृद्धि की गई है। 2016 से पहले इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि जो है 20,000 रुपये थी, जिसे 2016 में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को जो है गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवारों के लिए शुरू किया गया है। गरीब जो भी गरीबी रेखा के नीचे परिवार हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, उनके यदि कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है उस परिवार के, तो उस परिवार के का कोई भी सदस्य जो है योजना में आवेदन का लाभ प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस योजना के लिए जो है पात्रता के आधार पर जो है इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और राष्ट्रीय परिवार योजना पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का जो है लाभ उठाने के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं वो उनके परिवार के उस सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है जिसके आय पर पूरा परिवार आश्रित हो, तो इस योजना का लाभ परिवार को प्रदान किया जाता है। और परिवार का खर्चा चलाने वाला सदस्य होना चाहिए और वो बालिग होना आवश्यक है उसका, यानी कि 18 वर्ष से अधिक उसकी आयु होनी चाहिए, तभी इस योजना के लिए आवेदन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो मृतक सदस्य है कमाऊ सदस्य परिवार का, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है यदि और तब मृत्यु होती है तो इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा परिवार को। और आवेदक परिवार की जो वार्षिक आय है वो गरीबी रेखा के नीचे के मानक के अनुसार होनी चाहिए, यानी यदि शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं गरीब परिवार तो उनकी वार्षिक आय जो है 56,450 रुपीज़ होनी चाहिए। और यदि ग्रामीण क्षेत्र के में निवास करने वाले गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी वार्षिक आय परिवार की 46,080 रुपीज़ होनी चाहिए। और ये योजना में आवेदन के लिए परिवार का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जो है आपको दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो है मृतक सदस्य जो है परिवार का उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र तहसील और तहसीलदार नगर निगम या नगर पंचायत से प्रमाणित होना चाहिए, या फिर कोई मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल जिसमें मृत्यु हुई हो वहाँ से प्रमाणित होना चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र। और मुखिया मृतक सदस्य जो है उसकी आयु का प्रमाण पत्र लगाना होगा, तो उसकी कोई भी शैक्षिक योग्यता का जो मार्कशीट हो सर्टिफिकेट हो जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो
तो वो आपको आयु प्रमाण पत्र लगाना होगा। और आवेदक परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र आप जो है तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक होगा। तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होने आय प्रमाण पत्र ही आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपलोड करना होगा। और किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जो है परिवार का जो सदस्य आवेदन कर रहा है उसका बैंक खाता होना चाहिए उसके नाम से। और केवल राष्ट्रीयकृत स्तर के बैंक में ही खाता होना जो है वो मान्य होगा इस योजना के तहत। किसी भी सहकारी बैंक या सहकारी बैंक का जो है आप बैंक खाते का विवरण नहीं भर सकते हैं, वो मान्य नहीं होगा। और आवेदक के पहचान पत्र के रूप में जो है आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी होगी जो भी आवेदन कर रहा है। और बैंक के विवरण के लिए बैंक खाते के विवरण के प्रमाण के रूप में बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगानी होगी। और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी के रूप में जो है पहले बैंक के पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी लगानी होगी जहाँ पर आपके घर का एड्रेस और बैंक अकाउंट नंबर आदि लिखा होता है वहाँ उस पेज की फोटो कॉपी लगानी होगी। उससे आपके जो है उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं ये भी प्रमाणित हो जाएगा निवास का जो आपका पता लिखा होगा। और इसके बाद जो है आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसकी साइज जो है 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और PDF फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो PDF फाइल फॉर्मेट के अलावा ऐसे ही जो है स्कैन करके यदि आप कॉपी लगाएंगे तो अपलोड करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो PDF में उसको कन्वर्ट करना होगा आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटो है और फिर उसको अपलोड करना होगा। दोस्तों यदि ऑनलाइन आप अपलोड करेंगे उसके बाद जो है 45 दिन के अंदर आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जो स्वीकृत राशि होगी वो आवेदक के जो है बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और ऑनलाइन फॉर्म जो है जो भी परिवार का मृतक सदस्य है उसकी मृत्यु की तिथि से 1 साल के अंदर भरना आवश्यक होगा, ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है उसके आवेदन फॉर्म को सेव करके उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। और प्रिंट आउट निकालने के बाद सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अपलोड रहेंगे। उसके अलावा जो है आपको डॉक्यूमेंट्स की जो फोटो कॉपी आपके पास उसको संलग्न करके और अपने जिला के सामाजिक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। और जमा करने के बाद वहां से आवेदन फॉर्म जमा करने की रसीद लेना आवश्यक होगा क्योंकि उसी रसीद में जो है आपके आवेदन फॉर्म का नंबर लिखा होगा, उसी आवेदन फॉर्म संख्या से आप जो है अपने आवेदन की स्थिति को जांच पा सकेंगे। और आवेदन फॉर्म का वो एक प्रूफ भी होगा आपके पास, उसको रसीद लेना आवश्यक होगा। और इसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन जब कर देते हैं तो उसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के प्रिंट आउट निकालने के बाद ऑनलाइन आवेदन के 3 दिन के अंदर आपको जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक होगा। और इसके बाद जो है आपके आवेदन फॉर्म की सत्यता प्रमाणित होने के बाद जिला अधिकारी द्वारा आवेदन के ऑनलाइन आवेदन के 45 दिन के अंदर राष्ट्रीय पारिवारिक कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशि 30,000 रुपये वो आपके बैंक में आवेदक परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के वेब पोर्टल पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल वेब ब्राउजर खोलना होगा और गूगल वेब ब्राउजर में आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये विकल्प खुलकर आ जाएंगे।
NBS नेशनल बेनिफिट नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये विकल्प खुल कर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करना होगा। सामाजिक पारिवारिक लाभ योजना वेब पोर्टल का लिंक है ये, उस पर करने के बाद जो है ये पेज खुल कर आ जाएगा। इसमें आपको आवेदन नया पंजीकरण इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। और यदि आप योजना की जो है पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये शासन आदेश पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल आपको देख सकेंगे योजना की, क्या योजना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, सारी जानकारी, पात्रता की जानकारी यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए नया पंजीकरण पे क्लिक करना होगा। नया पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल कर आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर अपना जनपद उत्तर प्रदेश के अंदर किस जिले में रहते हैं वो उस जिले का नाम सेलेक्ट करना होगा, और वैसे जिस भी जिले में आप रहते हैं वहाँ का नाम सेलेक्ट करेंगे। और नाम सेलेक्ट करने के बाद शहरी क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में, तो उस पर ये रेडियो बटन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर जो आवेदन कर रहा है उसे अपना आवेदक को अपना यहाँ पर 20 KB का फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा ऑनलाइन। और उसके बाद आवेदक को यहाँ पर अपना विवरण लिखना होगा, जो भी आवेदन कर रहा है परिवार का सदस्य, तो यहाँ नाम लिखेंगे और लिंग यहाँ पर चयन करेंगे कि पुरुष है, स्त्री है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और फिर जो है यहाँ पर आपको करने के बाद यहाँ पिता का नाम या पति का नाम लिखना होगा, यदि पत्नी कर रही है आवेदन तो उसके पति की मृत्यु हुई है उसके एवज में जो है मुआवजा राशि का लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो यहाँ पर अपना पत्नी अपना नाम लिखेगी। और यदि पत्नी घर की कमाओ सदस्य है तो पति अगर कर रहा है आवेदन तो यहाँ पर लिखेगा अपना नाम, तो जो भी सदस्य आवेदन कर रहा है वो अपना यहाँ नाम लिखेगा। और यहाँ पर श्रेणी ये सेलेक्ट करना होगा कि आप किस श्रेणी के अंतर्गत हैं, जनरल है, माइनॉरिटी है, OBC है, SC है, ST है, तो इसमें कैटेगरी कोई भी हो सबको लाभ प्राप्त होगा। परिवार जो है BPL श्रेणी का के अंतर्गत आना चाहिए। और पहचान पत्र की फोटो कॉपी डाउनलोड करनी होगी, तो यहाँ पर पहचान पत्र की फोटो कॉपी डाउनलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी, आधार कार्ड जो है उसको PDF फॉर्मेट में सेव करना होगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जिससे भी आप आवेदन कर रहे हैं, और उसको यहाँ से अपलोड करना होगा। और फिर यदि आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं जो भी पहचान पत्र के रूप में या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी अपलोड कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको नंबर लिखना होगा, जो अपलोड करेंगे उसी का नंबर लिखेंगे। और यहाँ पर पहचान का प्रकार करना हो तो यहाँ पर जो भी पहचान पत्र के रूप में आपको अपलोड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स, उस पहचान पत्र का यहाँ पर नाम सिलेक्ट करना होगा, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप कर रहे हैं, वोटर ID कार्ड या राशन कार्ड जो भी कर रहे हैं। और पहचान पत्र की यहाँ पर फोटो कॉपी अपलोड करना होगा। और वार्षिक आय यहाँ पर लिखना होगा आपको, या रुपए की वार्षिक आय कितनी है, और आय प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पर लिखनी होगी, आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तो उसकी जो संख्या होगी वो यहाँ लिखना होगा। और आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या या यहाँ किस डेट को आपने बनवाया है वो आय प्रमाण पत्र वो यहाँ पर डेट लिखना होगा, आवेदन का संख्या लिखना होगा कि आपने आय पत्र आवेदन जब किया होगा तो उसके आवेदन संख्या लिखी होगी आवेदन पत्र पर वो यहाँ पर लिखना होगा। और मोबाइल नंबर अपना लिखना होगा आपको जो भी आवेदन कर रहा है सदस्य। और उसके बाद यहाँ पर बैंक खाते का विवरण भरना होगा, तो बैंक का नाम यहाँ पर चूज करना होगा कि कौन से राष्ट्रीय बैंक में खाता है, और उस खाते का फिर उस बैंक का IFSC कोड लिखना होगा जिस भी
बैंक शाखा में आपका जो है राष्ट्रीय बैंक की शाखा में आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसका आईएफएससी कोड यहाँ लिखना होगा और बैंक शाखा का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पर जो है आपको पासबुक की फोटो कॉपी आइडेंटिटी के भी पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपने सेव पर रखी हुई वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी और यहाँ बैंक अकाउंट का नंबर लिखना होगा और इसके बाद जो है जो मृतक सदस्य परिवार का उसका विवरण लिखना होगा, उसका नाम लिखना होगा और वो जो आवेदन कर रहा है उससे क्या संबंध है, पिता है था मृतक या पति था, उसका यहाँ नाम लिखना होगा और फिर यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या लिखनी होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो उसमें संख्या लिखी होगी, मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन संख्या वो यहाँ पर लिखना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि लिखनी होगी, किस तिथि को आप रहे, किस डेट को आपको मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जारी हुआ है आपका, तो बनवाया है आपने वो यहाँ पर लिखना होगा और मृत्यु किस तिथि को हुई है वो यहाँ पर डेट लिखना होगा और मृत्यु का कारण लिखना होगा कि किस कारण से हुआ है, एक्सीडेंट है या जो है किसी बीमारी के कारण हुआ है, गिरने के कारण, इनमें से जो भी हो या मर्डर के कारण हुआ है वो आपको यहाँ से चूज करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और मृत्यु की तिथि को मृतक की उम्र कितनी थी वो यहाँ पर लिखनी होगी और क्या काम करता था वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, किसान था, मजदूर है, निर्माण श्रमिक है या फिर अपना व्यवसाय करता था, तो वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। और इसके बाद जो है आवेदक का मृतक से संबंध, जो भी आवेदन कर रहा है सदस्य उसका क्या संबंध है, वो उसके मतलब पति है, पिता है या पत्नी है या माँ है, बाप है, जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जैसे जो भी संबंध हो मृतक के साथ आवेदक का वो सेलेक्ट करना होगा और फिर मृत्यु प्रमाण पत्र आपकी फोटो कॉपी जो है जो आपने पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सेव की होगी वो यहाँ पर अपलोड करना होगा और आयु प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा और आयु प्रमाण पत्र तहसीलदार से या फिर नगर निगम नगर पंचायत से जो है प्रमाणित होना चाहिए, वही मान्य होगा। आयु प्रमाण पत्र जो होगी तो उसको यहाँ पर आपको लगाना होगा और फिर ये अपलोड सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा, जो भी मृतक का सिग्नेचर होगा वो आपको यहाँ पर उसकी फोटो कॉपी सेव करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना होगा और आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। उसके बाद मृतक के उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र यहाँ पर लगा करना होगा और आयु प्रमाण पत्र करने के बाद जो है यहाँ पे चयन करना होगा आपको कि आयु प्रमाण पत्र के रूप में कौन सा जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, तो चूज करने के बाद यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो यहाँ चूज करेंगे वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे और जो ये मृतक की जो उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र है तो उसमें आपको जो है वोटर आईडी या उसके कोई भी जो है मनरेगा में काम करता है तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो सर्टिफिकेट होंगे, मनरेगा कार्ड, वो सब आप तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं कोई भी। और यहाँ पर कोड लिखना होगा और इस पर आपको कि जो भी आप जानकारी भरे हैं वो सब सही है उस पर टिक करना होगा और टिक करने के बाद फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद दोस्तों जो है आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर जिला अधिकारी आपको जो है आवेदन फॉर्म का हार्ड कॉपी निकाल कर प्रिंट आउट निकाल कर अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा और 45 दिन के अंदर जो है जिला अधिकारी के आदेश जो है आपके बैंक अकाउंट में पारिवारिक लाभ योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो है आप यदि यहाँ पर
अपना नाम देखना चाहते हैं कि हमारा नाम आपके आवेदन पर आपके जो है पारिवारिक लाभ योजना की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया गया है कि नहीं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है अपने यहाँ ये इसमें से अपना आपको जिला सेलेक्ट करना होगा कि किस जिले में है। सेलेक्ट करने के बाद जो है उस जिले के अंदर जितने भी लोगों ने आवेदन किया होगा और उनकी राशि को आवेदन को स्वीकार कर लिया होगा उनके नाम की लिस्ट खोलकर आ जाएगी, तो आप अच्छे से अपना नाम चेक कर सकते हैं। और आवेदन की स्थिति जानने के लिए कि आपके आवेदन के कार्रवाई शुरू हो गई है या नहीं हुई है, आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है अपना सेलेक्ट करना होगा डिस्ट्रिक्ट और किस जिले में रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आवेदन फॉर्म जो जमा करेंगे समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में, और वहाँ से जो रसीद मिलेगी उस रसीद पर आवेदन फॉर्म संख्या लिखी होगी वो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वही आपको यहाँ लिखना होगा, और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके आवेदन फॉर्म की स्थिति की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी YouTube चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश के जो गरीब परिवार हैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।